अरे सेठ जी आयो आयो, ये यार क्या बात है, बड़ी लंबी उम्र है। आ बैठो। ये क्या कर रहा है यहाँ? अरे कुछ ना कर रहा है सेठ जी, मैं क्या बताऊँ, मौसी है ना मेरी, तबीयत खराब हो गई अचानक, उसके चक्कर में मुझे बार बार अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दुकान के लिए कोई लड़का तो चाहिए था, मैंने इसको रख लिया। अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी काम करे मेरी बला से, तुम्हारे कर यार मेरी। अरे हट जा। अरे बोल उठा, ये मैं ये कह रही हूँ, मेरा हाल बहुत खराब है सेठ जी। क्यों, बर्तन के असली रूप दिखाई दे गया क्या? सेठ जी पंचम, अबे मैं तुझे कुछ भी कहूं, ढक्कन मक्खन सक्कन अक्कन टक्कन, बोल क्या कर लेगा तू मेरा। बात कर रहा है बेकार की। हाँ क्या कह रहा था तू? अरे मैं ये कह रहा था मेरा हाल बुरा है, क्योंकि क्या हुआ, मौसी को देखने गया अस्पताल। ठीक। अब वो पता नहीं नर्स आई उनका देख रेख करने, इंजेक्शन लेके आई ये लंबा, उसने मेरी शक्ल दी, उसको पता नहीं कहाँ से लगा कि मैं बीमार हूँ, पिछवाड़े मेरे इंजेक्शन घोप के चली गई, अभी तक दर्द कर रहा है। बड़ा बुरा बेकार वाला, मतलब कैसा कैसा अस्पताल है भैया ये? और इलायची कैसी है? अबे तेरी बहन जैसी है, जाकर राखी बंधवा ले, भाग। सब्जी काट लो। हाथ तो बड़ा मर्दाना है रो भाभी तुम्हारा। हाथ की छोड़ो, ये बताओ तुम पूरे दिन की 22 राय की ड्रेस पहने यहाँ बैठे रहते हो, तुम्हारे कहीं दर्द ना होता? आ रिया मजा। अरे यार जरा ठीक से कर लिए। क्या हुआ? अरे ये मौसा अलग खून पी रही है, अभी आवाज न करना, आवाज न करना, ए आवाज न करना। हाँ मौसा, नाना मैं तो निकल गया। अरे मैं कसम से कह रही हूँ दुकान में ना हूं मैं। हाँ, अरे दवाई लेने जा रही हूँ ना मैं। अरे बस मैं निकल गया मौसा, पंख ना है मेरे, उड़ के ना आ जाऊंगा, बस आ गया, रखो फोन। फोन पंचम, बाकी की मसाज ये कर देगा, ठीक है? बढ़िया से करना, बढ़िया। और सुन, लास्ट में ऐसे सेठ जी की ऐसे गर्दन जरूर चटका देना, ठीक है? मैं जा रही हूँ। और सुन सुन ना, बगल की मत बनाना, वो मैं बनाऊंगा। अगर मैं घर में इंसान की जगह कुत्ता पाल लेता तो कम से कम भौंकने का काम तो आता। सेठ जी, अगर आप उस कुत्ते की पूंछ पे पैर रखेंगे ना तो कभी कभी वो कुत्ता काट भी लेता है। अरे मुझे क्या पता था कि इंसान की जगह मैं एक सपोले को दूध पिला रहा हूँ। सेठ जी देखिए, दूध का नाम मत लीजिए, इससे हमारा खून खौल उठता है, हम पहले बता रहे हैं आपको। क्यों, मैं बोलूंगा दूध दूध दूध, टोंड दूध, मक्खन वाला दूध, मिक्स दूध, बकरी का दूध, गाय का दूध, सांप का दूध, ऊटने का दूध, दूध दूध। अरे लड़कियों की तरह हाथ चला रहे, और तेज हाथ चला। अरे तू दूधो ना है पूतो फले। दूध, बेटा 10 रुपए का दूध पी लियो आज है। दिख रही रोटी, ये जली हुई रोटी ना मेरे जले हुए अरमानों जैसी हो रखी है, ना खाते ही बन रही ना फेंकते। अबे चुपचाप खाना खाने दे, समझा, वरना तेरी बकवास सुन के मेरा पेट भरने का कोई इरादा नहीं है। तुझे बड़ी खवास चढ़ी है साले, मेरा खाना पीना हराम करके तू खाना खाएगा, शर्म ना आती तुझे? क्या मिला तुझे सुनीता जी से अलग करके हमको, है? कितना अच्छा लगता था जब वो पास आके बैठती थी, जरा सी देर में मेरी चोटी की 10 डिजाइन कर देती थी, और जब वो अपने
नरम नरम हाथों से मेरे बालों में नारियल का तेल लगाती थी तो ऐसा लगता था जैसे 10-20 ना कच्चे नारियल मेरे सिर पे फोड़ दियो। कितना अच्छा लगता था हा? लेकिन तुझसे मेरी खुशी ना देखी गई, चलो क्या मिला तुझे? यार इल्लू, I miss पिंटू भाभी यार। तुझे पता है अगर वो भी यहाँ होती ना तो मुझसे आगे कहती, सुनीता जी हमारी ना फेशियल कर दीजिए। यार मुझे भी ना जीजा जी हर जगह दिखाई दे रहा है, पता है यहाँ बैठ के अपना हार्मोनियम बजाते थे वो। और ना पिंटू भाभी वहां पर अपने बाल सुखाया करती थी। यार तुझे पता है जीजा जी ने पहली बार गाना था वो सीढ़ियों के पास, अब बस वहीं पे मेरा फिक्र टूट गया था, बड़ा मजा आया था यार मुझे। साले तो मैं कौन सा खुद खुश हूं, इंसान की इज्जत नाम की भी चीज होती है ना। अबे इज्जत बड़ी है प्यार, माँ का दूध समझा। सुनो ये छत बड़ी खाली खाली लग रही है यार, इन्हू खाली करवाई भी तो तूने है ना। पहली बार देख रही हूँ कि सलीम और अनारकली की लव स्टोरी में अनारकली खुद ही मुगले आजम बन गई है। अरे मुझे थोड़ी पता था कि वो सच्ची में चले जाएंगे और इतना भाव खाएंगे। मैं तो जिया जी को ना स्वीट से खरगोश समझती थी, लेकिन यार इस मामले में ना वो खूंखार शेर निकले। अगर इलायची जी ने हमें और कुछ भी बोला होता ना तो हम सहन कर लेते, नारियल पानी लस्सी पानी। लेकिन नहीं यार, माँ का दूध नहीं चलेगा, क्या जरूरत थी उन्हें हमें ये माँ का दूध माँ का दूध माँ का दूध ये सब बोलने की। अरे यार पूछ लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, देखा नहीं उन्हें पीते हुए तुझे तो अपनी जानकारी के लिए एक बार पूछ लिया तो कौन सी मुसीबत आ गई। इलू अभी भी कुछ नहीं बदला यार, जाके सॉरी बोल दे और ले अपनी गृहस्थी वापस अपने आंगन में। चुप कर, कितना चारू डायलॉग मारा है तूने, मैं नहीं जाने वाली हूँ। जीजा जी अगर उनको अपनी मूछों की इतनी परवाह है ना तो मुझे भी अपनी चोटी की लाज बचानी है। है चोटी की कौन सी लाज होती है इलू? अरे यार तो उनकी भी मुझे थोड़ी है, लेकिन फिर भी ताव देते रहते ना हर समय। तो फिर छोड़ रहने दे, और ना हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ उनको याद करके सैड सॉन्ग्स गाते रही हूँ, ठीक है? और वो तो अभी भी गाने का दिल हो रहा है। अबे जो मेरे आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ किया उसका क्या? और सच बताऊं ये अपनी इज्जत बचाने के बावजूद ऐसा लग रहा है जैसे कि ना दिल में कोई कसक रह गई हो। कसक रह गई तो जाके सेठ जी के घर में बम फोड़ दे, तेरी कसक पूरी हो जाएगी। कसक रह गई है। छोड़ यार तेरे साथ तो खाना खाना ही बेकार है। हाँ मत का पिंटू भाभी। हाँ सुनीता जी, पिंटू भाभी। सुनीता जी जुदाई वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। सुनो बाय बाय सुनीता जी। साले ना बैठने दे रहा ना रोने दे रहा ना खाने दे रहा है। सो जा चुपचाप। जगा दे ना साले, जगा नहीं दे रहा है। ओ जीजा। अबे क्या है जीजा, सुबह ही सुबह कैसे बात कर रहे हैं भाई हमसे? बिल्कुल तमीज के दायरे में हमसे बात करना वरना मुंबई निकल जाएंगे हम, कुछ ना कर पाएगा तू हमारा, बात कर रहे हैं। तू भी ना, अबे कहाँ जा रहे हैं ऐसे, है मजाक कर रहा हूँ मैं। अरे जीजा खा ले हैं, मजाक ना कर सकता हूँ, तू भी क्या बातें कर रहे हैं बेकार की। अच्छा सुन चुटकुला सुनाऊं तुझे। सुना। एक बार एक चींटी बारिश में भीग गई। चलो भीग गई तो पता है उसने हाथी से क्या कहा? क्या कह दिया? उसने कहा कि अपना टॉवल दे दो मुझे कपड़े बदलने हैं। ऐसा है जीजा जी, तुम्हारे लिए लैंडलाइन पे फोन आया, अंदर जाके सुन लो जा। किसका, हाथी का या चींटी का? मैं जा रही हूं।
अरे जीजा, तुमने भी क्या हाल बना रखा है अपने गल्ले का? इससे ज्यादा पैसे तो भिखारी के कटोरे में होते हैं जो तुमने गल्ले का हाल बना के रखा है। अरे तो अकेले क्या क्या संभालू मैं? एक काम करो जीजा, पहले तो अपने लहंगे का जो दाम है ना 50% बढ़ा दो, फिर 50% की तुम बाहर सेल लगा दो। कुछ दिनों के बाद लोगों को लगेगा तुम 50% घाटे में दे रहे हो। फिर देखना कैसे लहंगे बिकेंगे तुम्हारे, ऐसे लहंगे बिकेंगे चटंकी का नाम बदल दियो तुम। समझ गए बात को? अरे बात तो सही कह रहे हैं तू, हम तो हमेशा सही कहते हैं भाई। चोरी चकारी के अलावा तेरा दिमाग इनमें भी खूब चलता है। सुन चटंकी, तू मेरे साथ यही काम ना कर ले, मेरे साथ बता मेरी दुकान पे काम कर ले। अच्छा इलायची के पापा, मुझे तो लगा था कि तुम छटंकी भैया के साथ कोई खेल खेल रहे हो, लेकिन तुम तो राखी का फर्ज निभा रहे हो। अरे मैंने छटंकी के राखी कब बांधी? अरे मैंने बांधी थी ना, उसी का कर्ज। मेरे तो भाग ही खुल गए। अरे जीजी तू देखना, एक दिन इस दुकान को चांदी चौक की नंबर वन दुकान बना दूंगा मैं। ले बनाने से याद आया, जीजी तुम्हारी कसम बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने तो कब से तैयार है चटंकी भैया, आ जाओ खा लो। इलायची के पापा तुम भी आ जाओ, आओ तुम भी खा लो। मैं भी तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ वो तो करते हो, इसका क्या करूँ मैं? अरे इतना वजन कहाँ लेकर जाएगा, आराम से यही रख दे, हल्के हल्के जा, आराम से खाना खा। जा लाओ लाओ जल्दी लाओ। टुंडू भाभी। हाँ जी। मैंने आपको बहुत मिस किया, कहा मैं आपके साथ गोलगप्पों की प्लेटों पे प्लेटें उड़ा जाती थी और आपके बगैर ना एक प्लेट भी नहीं खाई जाती, पता है आपको? सही कह रहे सुनीता जी, हमारो हाल ना बिल्कुल आपके जैसे हो रखो। हम सच बता रहे, हमने ना गुक गुक बहुत समझाई कि घर वापस चलो, लौट चलो, आपसदारी में खट्टे पट्टे तो ऐसे होते रहते, लेकिन हमारी एक न मानी, बहुत ढीठ आदमी है गुगू। अब जानते हो बिंडू भाभी, जीजाजी और ईलो के बीच में ना मेरा और आपका हाल एकदम सिलबट्टे जैसा हो गया, दोनों साइड से हम पिसी जा रहे हैं और उन दोनों को तो कोई परवाह है ही नहीं। बाय गॉड बिंडू भाभी, साइड वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। लेकिन सुनीता जी आप ना कहते ठीक बात कह रही हो, लेकिन हमारे समझ में आ रहे हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। मुझे बताए क्या लगता है बिंडू भाभी, जब तक ईलो और चीजा जी एक दूसरे को आमने सामने ना देख कर आई लव यू नहीं कह देते। सॉरी, एक दूसरे को सॉरी नहीं कह देते ना, तब तक ना मामला ना निपटेगा नहीं। अच्छा मतलब आमने सामने? आमने सामने मतलब कुश्ती? बिंडू भाभी कुश्ती नहीं, मस्ती। आइडिया आया मुझे भी, अब देखो ठीक है। हाँ सुनो बोल। तुझे पता है अभी अभी मुझे ना जीजा जी मिले और तुझे ढूंढ रहे थे। मुझे ही ढूंढ रहे थे? क्यों? ईलू जीजा जी तुझसे सॉरी कहना चाहते हैं। अरे तुझे पता है वो रेलवे वाला ब्रिज जो है वहाँ पे, जल्दी से पहुंचा, मैं जीजा जी को लेकर वहां पहुंचती हूँ, ठीक है? और ईलू आई यू ओके? हाँ ठीक है फोन रख। अगे बाय। फटाफट रेडी हो जाती हूँ। फाइनली देखा बिंटू भाभी। अरे यार आपकी बारी, चलो जल्दी जल्दी जीजा जी को कॉल करो। अच्छा अच्छा हम समझ गए, सुनीता जी समझ गए, बहुत बड़ी आइडिया निकालो आप, बहुत अच्छी तरकीब। हम ना हमारा तो मान लो इतनी खुशी खुशी तुम्हारे मन ऐसे कर रहा हूँ कि आपकी ना एक झप्पी ले ले। मतलब अबे फोन लगा रहे गुगू, अबे लगाओ देखो। हम गुगू गुगू को नंबर जो गुगू। हेलो एक सेकंड भाई साहब, सॉरी यार। हेलो। हाँ हेलो गुगु। अबे गुगु क्यों बोल रहा है, पागल है क्या, दिमाग खराब है क्या तेरा? अरे गुगु वो कहा है कि ना हम सुनीता जी के साथ यहाँ गोलगप्पे खाना आए ना, और पता इलायची जी भी आई हमारे साथ। गुगु हम सही बता रहे हैं, इलायची जी के ना अंगूर जैसे मोटे मोटे आंसू टपक रहे हैं उनकी आंखों से। हाँ क्या इलायची जी रो रही है, पर क्यों? क्यों क्या, तुम्हारी याद में टपक रहे हैं, परेशान हो रखी है बहुत, तुम्हें याद कर रही है। और पता इलायची जी ना तुमसे माफी मांगना चाहती हैं। तुम ना एक काम करो, जल्दी से ना वो रेलवे वालों जो पुल है उसके नीचे आ जाओ जल्दी, हम ना इलायची जी को लेके वहीं पहुंच रहे हैं, है ना? आप
इलायची जी हमसे माफी मांगना चाहती हैं? ना ना, तुम ना अपनी किडनी निकाल के रखो, तुम्हारी किडनी बेचने आ रही। अरे जब एक बार कह दी तो बात समझ नहीं आती। अब फालतू बात ना करो, चुपचाप जल्दी रेलवे वाले पुल के नीचे आ जाओ, हम लोग वहीं पहुंच रहे हैं। ठीक है, अब फोन रखो। हाँ ठीक है, ठीक है बुबू, हम पहुंचते हैं। ये क्या, पिंकी जी ने पहली बार सुई में गलत कलर का धागा डाल दिया। ये सब क्या हो रहा है, ये कब तक ऐसे चलेगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं कैसे। मंगीलाल तू यहाँ चुन्नी ओढ़ रही है, तू देख रही है तू अपने आप को? मंगीलाल तू कितना बदल गया। जिन चीजों के लिए तू हमेशा पिंकी जी को ताने दिया करता था, आज तू खुद वो सारी हरकतें कर रहा है। मंगीलाल मुझे पता है तू भी पिंकी जी को बहुत मिस कर रहा होगा, है ना? अब पिंकी जी तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, मंगीलाल कहीं नहीं। मंगीलाल मंगीलाल मंगीलाल, तुझे पिंकी जी की याद नहीं आई? मंगीलाल सर, अब आप यही बोलेंगे ना कि आपको मैं मंगीलाल नजर आ रही हूँ, है ना? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पता नहीं कहां पे रह गया यार ये पिंटू साला। ए यार, ये लाइसी जी माफी मांगने आई है धूप में हमें खड़ा करके हमारा अचार बनाने? केले ले लो केले, 40 रुपए के 12 केले, धड़म 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 गिर गया दाम, 20 रुपए के 6 केले। अरे मैडम जी ले लीजिए, 20 रुपए में 6 केले एकदम ताजा है। 20 के 6 कुछ ज्यादा ही रेट नहीं है भैया, थोड़ा कम लगा के दो। ठीक है मैडम जी, आपके लिए 10 रुपए के 3 केले। बेवकूफ समझा है क्या? ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब है, और परेशान मत करो मुझे, 10 के 5 लूंगी। देखिए मैडम जी, इतने में तो मेरे घर में भी नहीं आते केले। हाँ तभी तेरे घर से नहीं ले रही हूँ। चल पकड़ 10 रुपए और दे मुझे 5। ठीक है लीजिए। अरे भाई साहब आप भी ले लीजिए केले, 10 रुपए के 3 लगा दूंगा। अरे ओ भाई साहब, हमारे सर पे सींग लगे हैं क्या? जब आप पूरी दुनिया को 10 के 5 दे रहे हैं तो हम 10 के 3 क्यों लेंगे भला? ठीक है भाई साहब, मैं 10 के 5 दे देता हूँ। हाँ ले भाई केले, ले लो केले, 40 रुपए के 12 केले, धड़म धड़म धड़म। भगवान के नाम पे कुछ दे दे, भगवान के नाम पे कुछ दे दे मेम साहब, भगवान के नाम पे कुछ दे दो मेम साहब। साहब भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ नहीं खाया। ये लीजिए 1 सेकेंड। एक रुपया
इतने में छोले भटूरे नहीं आएंगे साहब, 5 रुपए और दे दो ना, बाकी मैंने जमा कर लिए हैं। भगवान आप दोनों को सलामत रखे साहब, आपकी जोड़ी सलामत रखे।